मर्जी हुई और उस मर्जी के कारण भगवान ने धनुष को तोड़ दिया। चर्चा भी कर रहे थे, धनुष टूट गया, भगवान और भक्ति का मिलन हो गया। यही शर्त रखी थी। आपको कथा पता होगी, जनक जी कि हां ये भगवान शंकर का धनुष रखा था, एक दिन जनक जी ने कहा जानकी जी से कि बिटिया ये धनुष के आसपास की जो जमीन है इसको जरा गोबर से इसको लिपाही कर देना, इसको साफ कर देना। जानकी जी ने कहा ठीक है। जानकी जी गोबर की लिपाई कर रही थी तो जानकी जी को लगा कि धनुष के नीचे धूल जमी है। बंधु माता, धनुष के नीचे धूल जमी है और लिपाई ऐसे की जाती दाहिने हाथ से, और देख रहे धनुष के नीचे धूल है, अब इसको कैसे साफ करें, इसके नीचे भी सफाई होनी चाहिए। अब देखिए बाल सुलभ चेष्टा ये संसार की दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से वो साक्षात भगवती है, शक्ति है। तो बाएं हाथ से जानकी जी ने धनुष को उठा लिया। 10,000 राजा जिसको हिला नहीं पाए, तिल भर भूमि न सकई छोड़ाई, बाएं हाथ से उठाया, धीरे से धूल साफ करके दाहिने हाथ से लीप दिया, उठाए रखे हैं और उसी स्थान पर धनुष को रख दिया। जानकी जी ने काम किया, गई। जानकी जी के अतिरिक्त इसमें यदि हम लोग कोई ऐसा काम करते तो क्या करते, धनुष यदि हमसे उठ गया होता उसके बाद हम क्या करते, पता है ना क्या करते, इतनी तेज घर में दौड़ते, नाचते, मोहल्ले को बुलाते, मीडिया बुलाते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, छपवा देते, फोटो खिंचवा देते, ये सब करते कि नहीं, कुछ नहीं किया। जनक जी जब आए, जनक जी ने कक्ष में देखा कि धनुष के नीचे कैसे ये लिपाई हो सकती है। जानकी जी, हाँ पिताजी, ये धनुष के नीचे तुमने कैसे सफाई किया, तुमने कैसे इसमें गोबर की लिपाई किया। जानकी जी जैसे सहजता से मुस्कुराए, पिताजी हमने उठा दिया। जनक जी को लगा कि ये कोई जादू हुआ था कि सत्य हुआ था, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो जनक जी ने कहा बेटा कैसे तुमने उठाया। तो जानकी जी ने फिर से धनुष को उठाया, बाएं हाथ से, और फिर धनुष को उठाया। बाहर से तो वो बाप हैं, बेटी को प्रणाम नहीं कर सकते, भीतर से इतने गदगद हो गए कि दंडवत प्रणाम कर लिए कि ये मेरी बेटी साक्षात भगवती है, साक्षात शक्ति है, और यदि ये भगवती शक्ति इतनी बलशाली है कि धनुष को उठा के रख सकती है तो इसके लिए जो वर मैं ढूंढूंगा, कम से कम जो धनुष को तोड़ने की क्षमता रखता होगा वही इसका वर हो सकता, कोई सामान्य वर नहीं हो सकता है। तो भगवती का वर कोई ब्रह्म होना चाहिए, ये साक्षात भगवती है, ये शक्ति है। बंधु माताओं, इसलिए गोस्वामी जी ने जो प्रार्थना की है, जनक सोता जग जननी जाने के, जनक सोता जग जननी जाने के, अतिशय प्रिय करुणा निधाने के, अतिशय प्रिय करुणा निधाने के, ताके जुगपद कमल मनाऊं, ताके जुगपद कमल मनाऊं,
जासु कृपा निर्मल मति पाऊं कनक सुधा जग जननी जाने की जनक सुधा जग जननी जाने की जनक सुता जग जनक सुता जग जनक सुता जग जननी जानकी जनक नंदिनी माँ जानकी की जय। अयोध्या राम जी लला की जय। जनकपुर जनक लली की जय। कुल युगल सरकार की जय। इसीलिए जनक जी ने स्वयंवर की रचना की, इसलिए जनक जी ने यह प्रतिज्ञा की कि स्वयंवर क्या, यह प्रतिज्ञा की कि इसको ऐसे ही भगवान कृष्ण की भी लीला में वर्णन आता है